थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है। और हमारी आज की मूवी है साल 2017 की गैंगस्टर लैंड। ये मूवी शिकागो के लिकर बैरन अल कपोन और उसके राइट हैंड मैन मशीन गन जैक की रियल लाइफ पर बनी है। और इसमें साल 1920 की शराबबंदी के बाद बनी गैंग्स और उनके बीच की खूनी गैंग वॉर को एक्यूरेटली दिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल और सेकंड चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूवी की शुरुआत में ही हम टेक्स्ट के थ्रू पढ़ते हैं कि साल 1920 में अल्कोहल पे बैन लगाने के बाद कई अमेरिकन क्रिमिनल्स ने कनाडा से शराब की स्मगलिंग करके उसे यहाँ बेचना शुरू कर दिया। और इन्हीं गैंग्स ने एरिया और पावर के लिए आपस में लड़ना भी शुरू कर दिया, जिसमें सबसे बड़े और पावरफुल गैंग्स थे शिकागो शहर के इटालियंस और आयरिश गैंग्स, जिस वजह से शिकागो इस गैंग वॉर और वायलेंस का सेंटर बन गया। तो मूवी की शुरुआत में हमें साल 1922 का शिकागो शहर दिखाया जाता है, जहां हम जैक नाम के एक यंग बॉक्सर को देखते हैं जो शहर के बॉक्सिंग सर्किट में काफी फेमस है। जैक अपने फादर, मदर और एक छोटे भाई के साथ रहता है और अपने घर के पीछे ही उसके फादर एक जनरल स्टोर चलाते हैं। जैक एक बड़े बॉक्सिंग मैच के लिए तैयारी कर रहा है और उससे मिलने उसका एक पुराना फ्रेंड रीड आता है, जो शिकागो पुलिस में एक इंस्पेक्टर है। और रीड उसे शाम के मैच के लिए गुड लक विश करता है। जैक की फाइट एक फेमस बॉक्सर से होती है और उस फाइट को देखने रीड और उसका पार्टनर भी वहां आता है। और वो नोटिस करते हैं कि इटालियन माफिया का एक अल्फोंजो उर्फ अल कपोन नाम का गैंगस्टर भी जैक की फाइट देखने आया होता है, जो उस फाइट की फ्रंट रो सीट पर बैठा होता है। जैक अपने ओपोनेंट को इजीली हरा के फाइट जीत जाता है और सभी लोग उसके लिए चेयर करते हैं। पर अगले दिन जब जैक अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है, तब उन्हें अपने स्टोर में कुछ सामान टूटने की आवाजें आती हैं। और जैक का फादर देखता है कि जेनोवीजी क्राइम फैमिली के दो गैंगस्टर्स उसकी शॉप से कुछ बॉटल्स उठा रहे हैं। जैक का फादर थोड़े से प्रॉफिट के लिए होममेड वाइन बना के अपने कस्टमर्स को बेच रहा होता है। और वो दोनों गैंगस्टर्स जैक के फादर की सारी वाइन बॉटल्स उठा के ले जाते हैं और जाने से पहले उसे वॉर्न करते हैं कि शहर के इस हिस्से में सिर्फ उनका गैंग शराब खरीद या बेच सकता है, इसीलिए वो उसे अपने स्टोर से वाइन बेचने के लिए जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इस वक्त शहर का सारा अल्कोहल बिजनेस दो हिस्सों में बटा होता है, जिसमें नॉर्थ साइड में रूल होता है आयरिश माफिया का, जिसका बॉस होता है ओ बैनियन और उसका राइट हैंड आदमी होता है बग्स मोरान। और शिकागो के साउथ साइड में कब्जा होता है इटालियन माफिया का, जिसका बॉस होता है जॉनी टोरियो और उसके राइट हैंड मैन का नाम होता है अल कपोन। और ये दोनों ही गैंग शहर में प्रॉफिट और पावर के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एक रात को दो इटालियन गैंगस्टर्स एक शराब से भरा ट्रक शिकागो से बाहर ले जा रहे होते हैं, जिन्हें बग्स मोरान रोक लेता है और रिवॉल्वर दिखा के वो उन दोनों आदमियों को उस ट्रक से नीचे उतरने को बोलता है और कहता है कि तुम लोग शिकागो के नॉर्थ से नहीं गुजर सकते, क्योंकि ये मिस्टर ओबैनियन का एरिया है। और वो उन दोनों गैंगस्टर से उनका शराब से भरा ट्रक छीन के वहां से चला जाता है। और वो दोनों इटालियन गैंगस्टर भी उसे रोकने का ट्राई नहीं करते, क्योंकि सबको पता होता है कि मोरान आयरिश माफिया का एक सनकी मर्डरर है। उधर जैक की फाइट के बाद अल कपोन उससे मिलने आता है और कहता है कि वो एक कमाल का बॉक्सर है और वो जैक को अपने गैंग के लिए पार्ट टाइम काम करने का ऑफर देता है। अल कपोन कहता है कि उसका बॉस जॉनी टोरियो एक अच्छा आदमी है और हमें इस वक्त तेरे जैसे दबंग लड़कों की जरूरत है जो किसी से नहीं डरते। जैक कपोन के गैंग को ज्वाइन कर लेता है, पर वो कहता है कि वो किसी भी टाइप के मर्डर और खून खराबे से दूर रहना चाहता है, इसीलिए अल कपोन उसे शराब की स्मगलिंग का काम देता है। और एक रात को जब दो पुलिस वाले उसे और एक ड्राइवर को शराब ले जाते हुए रोकते हैं, तब जैक दो पंचेज में उन दोनों पुलिस वालों की लाइट्स आउट करके उस ट्रक के साथ वहां से निकल जाता है। जैक को अच्छा काम करता हुआ देख के कपोन उसे एक दिन अपने बॉस जॉनी टोरियो से मिलाता है और जॉनी कपोन के साथ जैक को अपने सबसे अच्छे बार में पार्टी और गैम्बलिंग करने के लिए इनवाइट करता है। और इतने महंगे बार और क्लब को पहली बार देख के जैक बेहद खुश होता है, जिस क्लब में उसकी मुलाकात लूलू नाम की एक लड़की से होती है जो जल्द ही उसकी फ्रेंड बन जाती है। जैक जिस रात अल कपोन और जॉनी के साथ क्लब आया होता है, उसी रात उसके फादर को जेनोवीजी फैमिली के वो गैंगस्टर्स उसे अपने घर के बाहर शूट करके मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब भी अपनी होममेड वाइन बेच रहा था और उन्हें अपने अल्कोहल बिजनेस में किसी तरह का कंपटीशन पसंद नहीं होता। अगली सुबह जब जैक अपने घर आता है, तब उसे अपनी माँ से पता चलता है कि उसके फादर को कुछ गैंगस्टर्स ने शूट करके मार दिया है। और इन्वेस्टिगेट कर रहे पुलिस वाले भी उसके फादर के मर्डर में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते और जैक की उन पुलिस वालों से बहस हो जाती है। तभी जैक का वो फ्रेंड रीड भी अपने पार्टनर के साथ वहां आता है और जैक से कहता है कि उसकी ड्यूटी शहर के नॉर्थ साइड में है, पर वो जैक के फादर के किलर्स को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा।
जैक को अब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं होती और वो अल कैपोन से जाके मिलता है और कहता है कि अब वो फुल टाइम गैंग को ज्वाइन करना चाहता है और अब वो कैपोन और रिटायरिंग माफिया के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके बदले में उसे बस उन आदमियों के नाम चाहिए जिसने उसके फादर को मारा है। और कैपोन उसे एक रिवॉल्वर दे के उसका अपने गैंग में वेलकम करता है और एश्योर करता है कि वो जैक के फादर के किलर्स को ढूंढ निकालेगा। मोरान और उसका बॉस ओ बैनियन नोटिस करते हैं कि इटालियंस की शराब चुरा के भी वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे जितना बाकी गैंग्स अर्न करते हैं, इसलिए वो एक प्लान बना के जॉनी और एल कैपोन को एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि वो इस गैंग वॉर को खत्म करके सुलह करना चाहते हैं। दोनों ही माफिया बॉसेस अपने खास आदमियों के साथ एक जगह पे मिलते हैं जहां ओ बैनियन कहता है कि मैं सारे आयरिश माफिया की तरफ से इस लड़ाई को खत्म करना चाहता हूं, और वो अपनी एक बड़ी शराब प्रोडक्शन की फैक्ट्री और गोडाउन जॉनी के नाम कर देता है और कहता है कि अब से शहर के बीच के इस हिस्से को भी इटालियंस चला सकेंगे और इसके बाद हम दोनों ही एक दूसरे की शराब को चुराने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। और अल कैपोन से सलाह करके जॉनी इस डील के लिए मान जाता है क्योंकि ये उनके लिए एक फायदे की डील होती है। कैपोन को ज्वाइन करने और अच्छे पैसे कमाने के बाद जैक दोबारा उस बार में जाके लूलू से मिलता है और अब वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और अगले कुछ दिन एक दूसरे के साथ ही गुजारते हैं। उधर जॉनी अपने कुछ आदमियों के साथ ओ बैनियन की दी हुई उस शराब फैक्ट्री में जाता है, पर ये सब बस ओ बैनियन की एक चाल होती है और जॉनी के वहां आते ही वो पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस हजारों लीटर शराब बनाने और स्टोर करने के लिए जॉनी को अरेस्ट कर लेती है। और ओ बैनियन और मोरान उसे अरेस्ट होता हुआ देख के हंसते हैं क्योंकि उन्होंने बिना खून खराबे के ही अपने इतने बड़े कॉम्पिटिशन को रास्ते से हटा दिया। अल कैपोन को भी आयरिश माफिया के इस डबल क्रॉस और जॉनी के अरेस्ट होने की न्यूज मिलती है और वो गुस्से में अपने दो आदमियों को ओ बैनियन को जाके मार देने के ऑर्डर्स देता है और जैक उन दोनों शूटर्स के लिए कार ड्राइव करता है। वो दोनों शूटर्स ओ बैनियन की फ्लावर शॉप में जाते हैं जहां वो एक फ्यूनरल के लिए फ्लावर्स अरेंज कर रहा होता है और वो आदमी ओ बैनियन को गोलियों से भून डालते हैं और जैक उन्हें तेजी से ड्राइव करता हुआ वहां से निकाल लाता है। अपने बॉस ओ बैनियन के मर्डर से मोरान बेहद हर्ट होता है और वो पुलिस की कोई भी हेल्प लेने से मना कर देता है और नॉर्थ शिकागो के हर आयरिश गैंगस्टर को वॉर के लिए रेडी होने को बोलता है। जॉनी, जिसे पुलिस ने अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पकड़ा होता है, उसे कोर्ट में कुछ महीनों की सजा सुनाई जाती है और वो बेल भर के कुछ दिनों में बाहर आ जाता है, पर मोरान इसी मौके का वेट कर रहा होता है और वो जॉनी को उसकी वाइफ और सैकड़ों विटनेसेस के सामने दिन दहाड़े कई गोलियां मारता है, जिससे शिकागो में आयरिश और इटालियन माफिया के बीच में एक जंग की शुरुआत हो जाती है। अल कैपोन जैक के साथ जॉनी से मिलने हॉस्पिटल जाता है जो शूटआउट में बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद भी बच गया था और जॉनी कैपोन से कान में कहता है कि मैं इस उम्र में वायलेंस नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी जगह अल कैपोन को साउथ शिकागो का नया लीडर अनाउंस कर देता है। अल कैपोन जैक से कहता है कि इटालियन माफिया में अब मैं जॉनी की जगह लेने जा रहा हूं और अगर तू चाहे तो मेरा राइट हैंड बन सकता है क्योंकि अब मैं आयरिश माफिया को खत्म करके पूरे शिकागो पे अपना कब्जा करने वाला हूं, और जैक कैपोन का राइट हैंड बन जाता है। उसी शाम से शिकागो में इटालियंस और आयरिश गैंग्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन शूटिंग्स की खबरों से न्यूज़पेपर और रेडियो भर जाते हैं और पुलिस कमिश्नर भी शहर की पुलिस को इस बढ़ती वायलेंस को कम करने के लिए बोलता है, पर कैपोन इस वायलेंस को एक लेवल और ऊपर ले जाता है और रिवॉल्वर और पिस्टल चलाने वाले गैंगस्टर्स के हाथों में थॉम्पसन की सब मशीन गन यानी टॉमी गन दे देता है और वो गन्स लेके जैक और कैपोन का गैंग मिलके मलोन के एक मसाज पार्लर में जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। कैपोन के गैंग की मचाई हुई तबाही देख के मोरान भी अपनी फायर पावर बढ़ाता है और अपने आदमियों पर अटैक का बदला लेने के लिए वो टॉमी गन के साथ कैपोन के होटल पर अटैक करता है और उनके गैंग के ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है, जहां जैक कैपोन पे जंप करके उसकी जान बचाता है और जब तक वो सब कवर लेके बाहर आते हैं तब तक मोरान वहां से भाग जाता है। कैपोन जैक को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो जैक को उन तीन लोगों के नाम दे देता है जिन्होंने जैक के फादर को शूट किया था, और जैक अपने लॉन्ग कोट में मशीन गन छुपा के उन तीनों आदमियों को एक एक करके फुर्सत से मारता है और जैक की करी हुई शूटिंग से शहर के मुर्दा घर डेड बॉडीज से भरने लगते हैं और इन किलिंग्स की वजह से क्राइम वर्ल्ड में जैक को सब मशीन गन जैक बुलाने लगते हैं। मशीन गन के इतने रैम्पेंट इस्तेमाल की खबरें न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होने लगती हैं और पुलिस अल कैपोन को उसके लॉयर के साथ मिलने के लिए बुलाती है जहां वो उससे शहर में चल रहे इस खून खराबे को रोकने के लिए कहते हैं, पर कैपोन कहता है कि वो एक फर्नीचर का बिजनेस करता है और उसका इस वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है।
कपोन के वहां से जाते हुए रीड जैक को देखता है और वो जैक को एज अ फ्रेंड कपोन से दूर रह के अपनी बॉक्सिंग पे फोकस करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जैक ने कपोन के गैंग के साथ काम करना शुरू कर दिया तो वो या तो जेल जाएगा या शिकागो शहर की सड़कों पे मारा जाएगा। पर जैक कहता है कि वो बस कपोन का फ्रेंड है और वो किसी भी इलीगल काम में इन्वॉल्व नहीं है, पर रीड को उस पे यकीन नहीं होता। अपनी शराब स्मगलिंग और जैक की फायर पावर के साथ कपोन सारे शिकागो शहर पे अपना कब्जा करने लगता है और मोरान को इस वॉर में बेहद नुकसान होता है, इसीलिए वो न्यूयॉर्क से फ्रैंक और पीट नाम के दो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बुलवाता है और कपोन और जैक को मारने के लिए उन दोनों को $50,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। उसी रात को जैक लूलू से मिलने के बाद एक पे फोन से लेकर बिजनेस की कुछ बात करने के लिए कपोन को फोन करता है और फोन पे बात करते हुए वो नोटिस नहीं करता कि फ्रैंक और पीट उसके पास आ रहे हैं और वो दोनों जैक पे कई राउंड्स फायरिंग करते हैं। पर इस शूटिंग में जैक टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से बच जाता है और जब उसे होश आता है तब लूलू और अल कपोन उसके पास बैठे होते हैं और वो दोनों जैक को जिंदा देख के बेहद खुश होते हैं। मोरान को भी जैक के जिंदा होने की खबर मिलती है और वो इस फेल्ड अटेम्प्ट के लिए फ्रैंक और पीट पे बेहद नाराज होता है। कुछ दिनों की रिकवरी के बाद जैक कपोन से मिलने आता है और कहता है कि तू मुझ पे हुए अटैक का कोई रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि मोरान और उसके आदमियों से मैं अपने तरीके से बदला लूंगा। जैक कपोन और मोरान के एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ निकालता है जो बूढ़ा आदमी दोनों गैंग्स के लिए ही कनाडा से अल्कोहल स्मगल करवाता है और जैक उससे मोरान को नई आई कैनेडियन विस्की के लिए कॉल करवाता है और मोरान उस विस्की का ट्रक खरीदने में इंटरेस्ट दिखाता है और कल सुबह अपने गोडाउन पे उस विस्की से भरे ट्रक को भेजने के लिए कहता है जिसे रिसीव करने के लिए वो खुद वहां आएगा। अब जैक को पता होता है कि कल सुबह मोरान अपने गोडाउन पे विस्की की डिलीवरी के लिए आने वाला है और वो अपने दो गैंग मेंबर्स के साथ उस गोडाउन के पास आ जाता है जिन दोनों ने मोरान को चकमा देने के लिए पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी होती है। मोरान ट्रैफिक की वजह से अपने घर से गोडाउन पहुंचने में लेट हो जाता है और जैक के साथ गए वो दोनों गैंगस्टर्स पुलिस वालों की एक्टिंग करते हुए वहां मौजूद सभी आदमियों को हाथ ऊपर करके लाइन में खड़े होने को बोलते हैं और तभी जैक दो गन मशीन के साथ वहां आता है और उन सब आदमियों को शूट करके मार डालता है जिसमें मोरान के वो फ्रैंक और पीट नाम के आदमियों समेत 5 लोग और मरते हैं जो वहां ट्रक लेके विस्की डिलीवर करने और गोडाउन में रखने आए थे। इस शूटआउट के बाद जैक नोटिस करता है कि उन मरे हुए आदमियों में मोरान कहीं नहीं है और वो डिसअपॉइंट होके वहां से भाग निकलता है और तभी मोरान उसे अपने गोडाउन के बाहर से भागते हुए देख लेता है। ये शूटिंग 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे वाले दिन हुई थी और इस कत्लेआम को मीडिया रिपोर्टर्स वैलेंटाइंस डे मैसेकर का नाम देते हैं और शहर के मेयर और सभी पुलिस वालों पे भी अब पब्लिक का प्रेशर बढ़ने लगता है क्योंकि इन मर्डर्स में 7 में से 5 आदमी सिविलियन थे जिनका किसी गैंग से कोई कनेक्शन नहीं था और पुलिस कोई विटनेस ना होने की वजह से अल कपोन पे टैक्स फ्रॉड का केस लगा देती है और पुलिस को अपने इन्फॉर्मर से जैक का नाम भी मिल जाता है जिसे इंस्पेक्टर रीड एक होटल में से लूलू के साथ अरेस्ट कर लेता है, पर उनके पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होता इसीलिए पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। कपोन को जब पता चलता है कि पुलिस ने जैक से पूछताछ करी है तब वो उसे कुछ महीनों के लिए लूलू के साथ शहर छोड़ के बाहर जाने के लिए बोलता है, पर जैक के शिकागो से जाने के बाद साल 1931 में अल कपोन को एक लंबे कोर्ट ट्रायल के बाद टैक्स चोरी के लिए 10 साल की सजा होती है जिसके बाद जैक कभी शिकागो वापस नहीं आता। जैक क्राइम की लाइफ को छोड़ के फिलाडेल्फिया में सेटल हो जाता है और वो और लूलू शादी कर लेते हैं, पर इस सब के 5 साल बाद साल 1936 में जैक एक दिन एक आर्केड में बॉलिंग करने जाता है जहां उसके साथ बॉलिंग कर रहा एक आदमी उससे बातें करने लगता है और उसे साल 1929 का वैलेंटाइंस डे याद दिलवाता है, जो डेट सुनते ही जैक अलर्ट हो जाता है और कहता है कि ऐसी कोई स्पेशल डेट उसे याद नहीं है और वो बॉलिंग छोड़ के वहां से बाहर जाने लगता है। पर उस आदमी के साथ मोरान के दो लोग और होते हैं जिन्हें पता होता है कि यही वो शिकागो का मशीन गन जैक है और वो तीनों जैक को कई बार शूट करते हैं और जब जैक इंजर्ड होकर नीचे गिरता है तब मोरान उसके सामने आता है और जैक को फेस पे शूट करके खत्म कर देता है और फाइनली आयरिश माफिया का मशीन गन जैक से अपना बदला पूरा होता है। ऐसी ही एक और ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।